नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है एक जो है वैकेंसी के बारे में हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं हम लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं असैनिक सेल चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पूर्वी सिंहंग जमशेदपुर और ये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा आधारित पदों पर विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन विज्ञापन जो निकला है कब है तो बारह नवम्बर दो को विज्ञापन संख्या जीरो वस जीरो वन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और इसके लिए हम झट जल्दी जल्दी जो आपको पद का नाम और जो है उसका कौन सा प्रोजेक्ट है उसके तहत और जो कुल कितने पद हैं कैटेगरी वाइज जो है आप देख लीजिएगा ये मैं बताते जा रहा हूँ सबसे पहले देख सकते हैं हम पद का नाम है ए एन एम का और यहाँ पर जो कुल पद है एक सौ बीस है फिर है स्टाफ नर्स का कुल पद है फोर्टी नाइन फिर है जी एन एम या फिर सी एस सी या फिर एन क्लिनिक का तीन पोस्ट है फिर जो है ब्लॉक डाटा मैनेजर का नौ पोस्ट है फिर यहाँ पर न्यूट्रिशनल काउंसलर का तीन पोस्ट है फार्मासिस्ट का चौदह पोस्ट है स्टाफ नर्स डी का एक पोस्ट है डेंटल टेक्नीशियन डी का एक पोस्ट है सोशल वर्कर का एक पोस्ट है काउंसलर डिस्ट्रिक्ट एनसीडी क्लिनिक का एक पोस्ट है ऑपथर्मिक असिस्टेंट का एक पोस्ट है साइकेट्रिक सोशल वर्कर का एक पोस्ट है फिर देख सकते हैं कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेसिव कोऑर्डिनेटर का एक पोस्ट है और जो है आगे अकाउंटेंट का एक पोस्ट है और इसके लिए जो यहाँ पर देख सकते हैं चयन हो तो आपकी जो उम्र सीमा की गणना एक नवंबर 2021 से की जाएगी और यहाँ पर कोटिवार जो न्यूनतम आपकी जो मैक्स न्यूनतम यानी मिनिमम एज है वो 21 वर्ष होना चाहिए सभी के लिए जनरल हो यहाँ पर बी सी वन बी सी टू और एस टी या फिर महिला लोग के लिए हो या फिर महिला सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष जनरल को लिए बाकी जो बी सी वन बी टू को लिए सैंतीस वर्ष और महिला और एस टी के लिए 40 वर्ष जो है यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा रखा गया दिव्यांगों के लिए अलग से है आगे चयन की शर्तें क्या कुछ है तो संविधा के आधार पर जो है स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने हेतु तो अनुबंध किया जाएगा और उपरोक्त सभी जो पद हैं वो जिला स्तरीय है और उसी के तहत जो है रोस्टर अनुमान होगा और ये जो है सामान्यतः एक वर्ष के लिए है लेकिन अच्छी काम रही तो ये जो है और आगे बढ़ाया जा सकता है जनरली एक वर्ष का नहीं होता है इसे जो है और आगे एक्सटेंड कर दे कर दिया जाता है फिर जो है संविदा के आधार पर अनुबंधित कर्मियों को एक माह की नोटिस अथवा एक माह का अग्रिम मानदेय देकर अनुबंध समाप्त जो है किया जा सकता है ऐसा कहा जा रहा है विज्ञापित अर्ता योग्यता अनुरूप समिति द्वारा शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थों को आगे की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा यानी अगर आपका काम अच्छा रहा तो आगे भी आपको जो है एक्सटेंड किया जाएगा जो मैंने पहले बता दिया फिर जो है जिला चयन समिति द्वारा आवश्यकता पड़ने पर जो विज्ञापन को रद्द भी किया जा सकता है ठीक है चयन की प्रक्रिया प्रक्रिया क्या कुछ है तो सबसे पहले चयन की प्रक्रिया जो है अभ्यर्थियों का चयन जो लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक एवं शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक के आधार पर किया जाएगा सेकंड कहता है कि यदि कौशल परीक्षा यानी जो स्किल टेस्ट है की आवश्यकता पड़े तो हो सकता है कि वैसा भी जो है स्किल टेस्ट लिया जा सकता है और वह बस जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा उसमें ऐसा नहीं कि ज़्यादा नंबर वाले को प्रेफरेंस मिलेगा ऐसा कुछ नहीं क्वालिफाइंग नंबर्स रहेगा और क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा सभी उम्मीदवार जो है निबंधित जो डाक जो या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट वहाँ जमा करेंगे वैसा नहीं होगा पूरा स्पीड पोस्ट या फिर सिंपली डाक कर यानी पोस्ट करके आपको जो है आवेदन करना है कैसे आवेदन करना है आगे मैं आपको बताऊंगा फिर यहाँ पर देखते हैं अंतिम रूप से तैयार किए गए मेधा सूची जो मेंटलिस्ट है सिविल सर्जन उपायुक्त के कार्यालय के सूचना पट तथा पूर्वी सिंहभूम जिला का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जमशेदपुर डॉट एन आई सी डॉट इन यहाँ पर प्रकाशित किया जाएगा ये कहा जा रहा है आगे जो है चयनित उम्मीदवार को योगदान के समय जो है किसी फौजदारी मुकदमे में दंडित नहीं होना चाहिए ये खैर ये तो नहीं रहेगी आवेदन की प्रक्रिया क्या कुछ है तो आवेदन करने के लिए जो है सत्ताईस नवंबर दो अंतिम तिथि सत्ताईस नवंबर दो है और आवेदन पत्र जो है आपको पहले मैंने बता दिया निबंधित डाक या फिर स्प्रिट पोस्ट के द्वारा असैनिक सेल चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जमशेदपुर के पते पर जो है ऑफिस के पते पर भेजना है उसके बाद जो है जो अभ्यर्थी आवेदन निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट से भेजेंगे उस आवेदन निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से जब भेजे जाने वाले आवेदन तथा उसके साथ संलग्न यानी उसके साथ जो भी अटैच करेंगे प्रमाण पत्र आपका जो कागजात है उसको पीडीएफ फाइल बनाकर जो है एक ईमेल जे ईमेल नंबर यहाँ पर दी गई है ए एन एच एम आर ई सी आर ई आई टी डॉट जे एस आर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम में निश्चित रूप से जो है भेजना सुनिश्चित करेंगे यानी ईमेल के द्वारा भी आप भेजेंगे ताकि स्क्रूटनी के समय कागजात का मिलान पूर्वक किया जा सके यानी आपको जो है स्पीड पोस्ट करना ही है उसके साथ साथ आपके अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है एज पी डी एफ फाइल बना के जो है ये जो ईमेल नंबर है इसमें भी आपको जो है भेजना है ताकि सभी डॉक्यूमेंट को मिलाप किया जाएगा जो आप ईमेल से जो भेजे हैं और जो स्पीड पोस्ट जो कर रहे हैं सभी को मिलाया जाएगा उसके बाद और लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से जो है आपको जो सूचनाएं अंकित करना होगा कहाँ आपको भेजना है विज्ञापन संख्या को भी लिखना होगा पद का नाम लिखना होगा और लिफाफे के ऊपर जो है अंकित पद एवं आवेदन में अंकित पद का नाम अलग अलग रहने पर जो है आवेदन को अस्वीकृत यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा उपरुक्त योग्यता सह अहर्ता रखने वाले उम्मीदवारों से निम्नांकित विहित प्रपत्र में आवश्यक सभी शैक्षणिक या तथा तकनीक योग्यता के अंक शैक्षणिक एवं तकनीकी कौशल प्रमाण पत्र यानी आपके पास जितने भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है शैक्षणिक योग्यता है अगर कोई अनुभव का प्रमाण पत्र है तो अपने से उसमें सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद साइन करना है और उसका जेरोक्स को भेजना है और उसके बाद जो है आपका जो जाति प्रमाण पत्र है ऑनलाइन जो निकाला हुआ होना चाहिए जन्मतिथि के लिए प्रमाण पत्र होना चाहिए खास करके इसमें जन्मतिथि प्रमाण पत्र में मैट्रिक का जो एडमिट कार्ड है वो मान्य होगा कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र यानी अगर आप डी या कुछ वगैरह किए हैं तो आप दे सकते हैं ये कोई अर्जेंट नहीं है फिर जो है परीक्षा शुल्क जो भी लगेगा वो भी देना है फिर दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का भी जरूरत है आवेदन की आज अंतिम तारीख है यहाँ पर फिर से बताया गया है साताइस नवंबर दो हज़ार इक्कीस से शाम के पाँच बजे तक जो है पहुँच जाना चाहिए फिर जो है यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक सताईस नवंबर दो हज़ार इक्कीस के शाम पाँच बजे तक स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में जो है उसके बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा ये कहा जा रहा है फिर यहाँ पर देख सकते हैं अगला दिया हुआ है कि जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता में सी जी जैसे बहुत लोगों का परसेंटेज होता है अगर परसेंटेज नहीं है आपका सी जी है तो फिर वैसे जो भी मार्कशीट के साथ साथ सी जी रूपांतरित चार्ट जो है वो भी प्रस्तुत करेंगे ये बताया जा रहा है फिर जो है आवेदन शुल्क आवेदन हेतु प्रत्येक पद के लिए ले जो है सामान्य और जो है आरक्षण वर्ग में सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए यानी जनरल बी और बी के लिए जो है पाँच लगेगा जबकि एस टी एस सी को जो है आपको तीन सौ रुपया का डीडी बनाना होगा और ये जो डीडी है वो किसके नाम पर बनाना होगा तो यहाँ दे सकते हैं डीडी जो आपका बनेगा वो जिला ग्रामीण स्वस्थ समिति पूर्वी सिंह के नाम पर आपको जो है डीडी बनाना होगा याद रखिएगा जनरल बी सी वन बी सी टू तीन सौ रुपये सॉरी पाँच सौ रुपये का डी और एस टी के लिए तीन सौ रुपये का डी डी लगेगी उसके बाद आपको लिफाफे में भर के अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको जो है सेंड कर देना है इसी जो है पते पर को तो कितना सैलरी मिलेगी आपके शैक्षणिक योग्यता क्या कुछ मांगी गई है जैसे एन के लिए क्या कुछ मांगी गई है यहाँ पर दे सकते हैं आपका पर मंथ कितना सैलरी मिलेगी बारह हज़ार अठ मिलेगी स्टाफ नर्स को सोलह हज़ार पाँच सौ चौंसठ मिलेगी तो इसी प्रकार से ब्लॉक डाटा मैनेजर को जो है पंद्रह हज़ार मिलेगी न्यूट्रिशनल काउंसलर को जो है पंद्रह हज़ार मिलेगी फार्मासिस्ट को जो है बारह हज़ार छः सौ रुपया मिलेगी सभी का अपना सैलरी और आपका शैक्षणिक योग्यता दी गई है आपका जो लिंक यहाँ इस पी का मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप डिटेल्स से अच्छी तरह से देख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा हो सके तो अगर आवेदन करना है तो आवेदन कर दीजिएगा इस तरह से इससे भी जो है आप जो डाउनलोड करके जो निकाल लीजिएगा और इसको पूरा फॉल फिलअप करके आपको स्पीड पोस्ट या फिर सिंपल से पोस्ट करना है धन्यवाद जौहर